हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीडे बेसिक मेकअप लुक एंड स्किन केयर रूटीन। गाइस, बहुत ही बेसिक, बहुत ही नॉर्मल, जो आप लोग इजी से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है टोनर। टोनर के लिए मैंने यहाँ पर लिया गुडनेस का कुकुम्बर टोनर। आप चाहे तो रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। एंड टोनर हमारे एवरीडे मेकअप एंड स्किन केयर में बहुत ज़रूरी है गाइस, तो आप टोनर ज़रूर से अप्लाई करें। तो मैंने टोनर अप्लाई कर ली, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र तो मैंने यहाँ पे लिया है पॉन्स लाइट मॉइस्चराइज़र। एंड समर्स हो चाहे विंटर्स, आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर से अप्लाई करें एवरी डे पे। एंड सीरम अगर आप एवरी डे नहीं अप्लाई करें तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ पे अप्लाई किया सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे का सन एक्सपर्ट SPF 24 सनस्क्रीन, आप देख सकते हैं। तो मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड समर्स है एंड विंटर्स हो चाहे समर्स, आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सनस्क्रीन के बाद मैं अप्लाई करूँगी लिप बाम। लिप बाम यहाँ पर मैंने लिया है वादी हर्बल का लिप बाम आयुर का। तो लिप बाम मैं अच्छे से अपने लिप पे अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरा लिप बहुत ड्राई होता है इसके लिए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया एलोवेरा जेल, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। यस, मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल लिया है। तो उसको मैं अच्छी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करूँ, ऐसे प्राइमर की तरह वर्क करेगा एंड फेस को भी मॉइस्चराइज रखेगा। एंड कोई भी प्रोडक्ट मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी तो वो मेरे फेस पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, आप चाहे तो ये पॉन्स का बीबी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप सीधा कॉम्पैक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं एवरीडे यूज़ पे। लेकिन अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप पॉन्स का बीबी क्रीम अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो बीबी क्रीम सीसी क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे पास सीसी क्रीम नहीं था तो मैं बीबी क्रीम थोड़ा सा ही अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस पे डॉट डॉट करके। और अपने फिंगर्स की हेल्प से ही मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, आप देख सकते हैं। एवरीडे इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हम लोग अच्छे तरीके से मेकअप करने के लिए बैठे, तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। बस थोड़ा सा मेरा फेस अजीब लग रहा है क्योंकि सनस्क्रीन बोल रही हूँ मैं, सनलाइट में वीडियो बनाती हूँ इसके लिए। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज़रूरी है समर्स में, आप चाहे तो लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर बीबी क्रीम अप्लाई की है इसलिए मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ। एंड कॉम्पैक्ट बीबी क्रीम सब में SPF था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे स्किन के लिए, काफ़ी ज़्यादा सन से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ नॉर्मल आईब्रो पेंसिल से, मैट लुक का आईब्रो पेंसिल है ये। एंड उसी ब्रश से अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। अब मैं दोनों आईब्रोज को आईब्रोज को फिल कर चुकी हूँ। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। काजल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है स्टेकवेल की का काजल। एंड आज मैंने इस वीडियो में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, वो क्या आपको आगे पता चलेगा। मैं अपने लोअर लैश लाइन अपर लैश लाइन दोनों पे अप्लाई कर चुकी हूँ काजल। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक का मैंने यहाँ पर लिया है NYBA का बुलेट लिपस्टिक। इसमें मेरा शेड है 01, न्यूड शेड है। एवरीडे के लिए न्यूड शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। एंड अगर आपको आईलाइनर अप्लाई करना है तो आप आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं अच्छी तरीके से मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। एवरीडे पे आप वाटरप्रूफ मस्कारा ना अप्लाई करेगा गाइस, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा। मैं बिंदी लगा लूँगी, जो एवरीडे अगर आप मैरिड है तो आप ज़रूर से अप्लाई करें। एंड मैं थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड मैंने आज क्या गलती किया कि मेरा एक आईज का काजल थोड़ा डार्क है, एक आईज का थोड़ा लाइट है, इसकी वजह से एंड सन का लाइट की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा पता चल रहा है। वैसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं काफ़ी जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाई इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यही था आज का मेरा वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आएंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।